जल्दी आ जाओगे? देखता हूँ कैसे कैसे सपने हो गए मेरे। लेकिन उन्हें फिलहाल नॉनवेज त्यागा हुआ है। इतनी शक्ति लेके कहाँ जाओगे? खाली एक्सपेरिमेंट है ये, कुछ वैसा नहीं। क्या बात है, क्या स्टाइल है? क्या लाएगा? YouTube family, welcome back to my channel. Hope so आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है। घर की साफ सफाई पहले ही कर दी थी मैंने, अभी नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। कपड़े धोए थे तो तार पे डाल दिए सूखने के लिए। इसे पिछली वाली तारों पे भी कपड़े डाले हुए हैं। एक्चुअल में शादी के चलते कपड़ों का ढेर लग चुका था, धो नहीं पाई थी मैं, क्योंकि मशीन है नहीं, हाथ से कपड़े धोने होते हैं मेरे को। तो अभी आज टाइम था तो मैं चलो सारे कपड़े धो देते हैं, तो ये काम अभी ख़त्म हो चुका है। और रात को काफ़ी लेट हो गए थे, रात भी 1:30 बजे 1:30 के करीब कुछ घर वापस आए थे। फिर रात भी खाना वाना इनको खिलाया, फिर बर्तन वगैरह धो के फिर मैं सोई। तो सुबह फिर वही उठना, वही काम काज। आज संडे है, शायद कुछ का ऑफ हो या ना हो, पता नहीं, मैंने अभी पूछा नहीं इनको। फिलहाल तो सोई रहे हैं वो नीचे, और धूप बहुत तगड़ी वाली आ रही है। होप सो कपड़े जल्दी फटाफट से सूख जाएंगे। जय हो सूर्यदेव भगवान। हेलीकॉप्टर बाय। बाल धोकर पहले ही सुलझा लिए थे मैंने, और कपड़े डालते डालते भी मेरे बाल भी सूख चुके हैं। चलो चलते हैं नीचे, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। बाकी दिन भर जो भी होता रहेगा दिखाती रहूंगी व्लॉग में, बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा, हाँ जी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा। जो जला लिया अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। चलो चलते हैं अभी रसोई में, करते हैं सुबह के नाश्ते की तैयारी। कर रात आलू के गुटके बनाए थे, आलू उबाल कर तो थोड़े से वो बचे हुए हैं, उसके साथ ही झोई तैयार कर लेते हैं। दोपहर को झोई के साथ चावल बन जाएंगे, क्योंकि छुट्टियाँ सब लोग घर में ही हैं, सिर्फ कुछ महाराज जी को छोड़कर फिलहाल ही गए हुए नहाने के लिए। नहाने में घंटा लगाएंगे, इनके वापस आने तक तो झोई तैयार भी हो जाएगी। चलो चलते हैं रसोई में। यहाँ पर सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता किया जा रहा है अभी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग। आप संडे वाले दिन भी नहीं रुकते घर पे? जल्दी आ जाओगे? देखता हूँ। अभी भी देखते हो? आ जाना प्लीज। जोशी जी जा रहे हो प्लीज। जोशी जी की ही प्लेट में अभी मैं भी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। फिलहाल घर में सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पर बर्तन साफ किए जा रहे हैं। अभी मम्मी को नानी माँ का फोन आया हुआ है, वो फोन पे बात कर रही है उनसे। आज मैंने लाइनर की जगह पे काजल लगाया आंखों में। मेरा ये काजल पिछले 6 महीनों से गुम हो रखा था। कल मिला मुझे जब मैं मेकअप का वो ब्लॉग बनाने के लिए सामान ढूंढती थी तब मिला। तो मैंने कहा चलो आज काजल ही लगा लेते हैं। तो अपनी आंखों में काजल फैलता हो जाता है। मैंने हर तरीके का काजल अप्लाई करके देख लिया, टिकता नहीं है, फैल जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई अच्छा काजल पता हो जो फैलता ना हो और आँखों में बढ़िया स्टे करे। घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद फाइनली अभी मैंने फ़ोन का कामकाज भी निपटा लिया है। आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए हैं, ब्लॉग भी एडिट कर दिया है। जैसे बचपन में होता था ना, जैसे बुक्स वगैरह हाथ में पकड़ो नींद आनी शुरू हो जाती थी, वैसा ही मेरे साथ होता है। जैसे मैं ब्लॉग एडिट करने बैठती हूँ ना, मेरे को इतनी तगड़ी नींद आती है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं ऐसा करता बस फ़ोन साइड में रखूँ और सो जाऊँ, और नींद पूरी हो ही नहीं रही है पिछले कितने दिनों से। मुझे पूरा एक दिन चाहिए सोने के लिए, ना खाना ना पीना ना कोई काम ना काज, बस सोना ही सोना हो, ऐसी दिल की तमन्ना है। कैसे कैसे सपने हो गए मेरे भी। तो अभी वैसे 4:15 बज रहे हैं, सब लोग सो ही रहे हैं बाहर। घंटा सो जाती हूँ, 5 बजे उठूंगी आराम से। तो फिलहाल मैं सोने लगी हूँ थोड़ी देर, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम के तकरीबन 4:20 हो रहे हैं अभी। 4 बजे तो तकरीबन अभी मैं लेटी ही थी, अब इतने में जोशी जी हमारे आ चुके हैं, तो नींद तो हो गई है मेरी पूरी। गुड इवनिंग जोशी जी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बढ़िया। अब आप मेरे पास ही, मतलब अब आप घर पे ही रहोगे ना? अब तो नहीं जाओगे ना ऑफिस? अभी जरूरत नहीं है। चलो सही है। जो ही बात, कैसा हो रहा है ये तो पूछना मैं भूल ही गई आपसे। बढ़िया हो रहा, अच्छा हो रहा, खट्टी है जो, ठीक हो रही है।
खटी खटी हो रही है ना। घर वालों ने तो पहले खा लिया था झोल भात कुछ, और मैंने भी बे टाइम लंच कर लिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कुछ आ रहे हैं घर के, पिछली बार भी आ गए थे लेकिन शाम को आए थे, क्योंकि मैं कुछ पक्का रहता ही नहीं है। तो जस्ट अभी हमने लंच वगैरह किया है और यहाँ पे लगा हुआ है बर्तनों का ढेर, शेंक से लेकर यहाँ से लेकर वहाँ तक बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। काम ना शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार कोई भी काम हो, एक बार हाथ डाल लो फिर होते होते हो ही जाता है। बर्तन साफ करके रसोई बढ़िया चमका दी थी मैंने, उसके बाद थोड़े से आपके कमेंट्स के रिप्लाई की और अभी छत पे आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। कपड़े उठाते हैं, बढ़िया तरीके से सूख चुके हैं ये, और फिर नीचे जाके इनकी तह करेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। जो जला के पूजा पाठ कर लिया था मैंने, जोशी जी घर पे ही हैं तो कह रहे चलो कहीं बाहर घूम आते हैं, तो लास्ट संडे भी हम लोग थोड़ा सा गए थे बाहर घूमने शूमने करने के लिए, आज भी जा रहे हैं। लास्ट संडे छोटी सी पार्टी की थी हमने, इस संडे भी हम छोटी सी पार्टी करेंगे। तो अभी शाम के 7 तो बजने वाले हैं, मैं सोच रही हूँ कि पहले व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ उसके बाद ही निकलूँ घर से। तो जब बाहर निकलेंगे फिर मिलती हूँ आपसे। एक बार फिर से नोएडा के साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में आ गए हैं हम। पूरे एक हफ्ते के बाद आज हम एक बार फिर से आए हैं कुछ के फेवरेट वेज मोमोज खाने के लिए। वैसे तो कुछ को नॉन वेज पसंद है, नॉन वेज वाले मोमोज, लेकिन उन्हें फिलहाल नॉन वेज त्यागा हुआ है। यहाँ की मेयोनीज स्पेशल होती है ना कुछ, इसलिए कि मैं मोमोज वगैरह खाने के बाद अभी हम आए हैं यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। घर का सामान खत्म हो रहा था तो थोड़ा सा ले लेते हैं। सामान ले लिया, अभी जा रहे हैं घर की तरफ। मेरी सासू माँ जी को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और वैनिला ही पसंद है इनको प्लेन वाली, तो उनके लिए लेके आए अभी दो ब्रिक। हम मेल्ट ना हो जाए इसलिए मैंने अभी फ्रीजर में लगा के रख दिया इसको। मार्केट से घर वापस आ गए अभी हम लोग, क्या खड़खड़ खड़खड़ लगा रखी है आपने, तो वहाँ से हम ये सामान भी लेके आए। दिखा रहे कुछ ये बटर है, ये कॉर्न है, कॉर्न के दाने। तो अभी कुछ क्या बनाने वाले हो? क्या बना, वो बनाएंगे इसमें क्या कहते हैं पॉपकॉर्न बना के देखते हैं। ये सादे हैं वैसे, नहीं है एक्टिव नहीं है, नॉर्मल बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। बन जाएंगे, बढ़िया बनेंगे इनके भी, काफी सारे हैं ये तो भर जाएगा, इतना सारा बन जाएगा इसका। अच्छा हाय तो बोल दो भाई और उनकी बहनों को। हेलो। इतनी शक्ति लेके कहाँ जाओगे कुछ? हेलो बोल दे बस, क्या बोलना है? हेलो क्या नहीं, जैसे आप बोलते वैसे बोलो। हेलो भाई और उनकी बहनों को। हेलो भाई और उनकी बहनों को। बस इतने ड्रामे बाज रहे, बस कर दिया मैंने एहसान आपके व्लॉग में बोल दिया मैंने दोस्त। ऐसा नहीं है, चले चलो चलो चलते हैं किचन की तरफ। और आज जोशी जी बनाने वाले हैं पॉपकॉर्न ये, और मैं अपने के लिए ये छोटी वाली फ्रूटी लेके आई हूँ और घर वालों के लिए कोक लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरा गला सही नहीं, तो इसलिए मैं कोक नहीं पीऊँगी। तो चलो देखते हैं जोशी जी क्या कास्तानी करने वाले हैं, चलिए आप भी मेरे साथ। छोटा पैन एक बार लेके आए, ये डीमार्ट से लिया था हमने कुछ चोर में लाए थे इसको, कद्दू जैसा है। अच्छा डीमार्ट से लिया था, मैं बुलवा के खरीदा था। ना ना डीमार्ट से लाए थे हम दोनों, मुझे याद है, मेरा तो पसंदीदा है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे मेल्ट किया जा रहा है मक्खन को, कुछ तो आज कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। अभी देखा पैकेट के अंदर से मेल्ट हो पड़ा तब कैसा लगता है। और डिनर में हम जो बनाने वाले हैं दाल पालक, उसके लिए यहाँ पे तड़के का सामान काट के रख दिया मैंने ऑलरेडी।
मक्खन को मेल्ट करके निकाल लिया गया है बाहर, और यहाँ पर अभी मक्की के दाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डालो डालो सभी खाएंगे। बहुत हो जाएंगे ये, सही है दोबारा बना लेंगे तो खराब ना हो ना। इसके ऊपर भी हल्की सी हल्दी भी ऐड की जा रही है क्योंकि हम पीले वाले पॉपकॉर्न बनाएंगे, पीले वाले पॉपकॉर्न। थोड़ा सा नमक भी डाला जा रहा है इसके ऊपर से, पता नहीं कैसा लगा, देखते हैं। ये खाली एक्सपेरिमेंट है वैसे। चला रहे जोशी जी, मैं खाली एक्सपेरिमेंट है, ये कुछ वैसा नहीं है। कुछ कह रहे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लगभग 10 मिनट तक कुत्तू ने इसको भिगा के रखा है मक्खन को और मक्खी के दानों को। तो अब क्या करने वाले जो जी आप? कुछ नहीं, सब कुकर में डालेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, कुकर में डालेंगे और क्या करेंगे। सत्य देख रहे हो लौंडे की ज्वाला। चलिए देखते हैं अभी क्या बनने वाला है। कुकर के ऊपर प्लेट का ढक्कन रख दिया गया। अभी मक्की के दाने उछल उछल के पॉपकॉर्न बनने शुरू हो चुके हैं। आवाजें आ रही हैं पीछे, ड्रन ड्रन ड्रन। ये देखिए हमारा कुकर बेचारा जख्मी कुकर, पट्टी बांध रखी है इसको मेरे सासू माँ ने। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, कुकर भर गया भैया हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा नमक कम है। नमक कम है? नमक कम है? नमक हो गया ना? निकाले? हाँ हाँ, गैस बंद कर। पॉपकॉर्न का खजाना, इतने सारे पॉपकॉर्न परात भर गया भैया हमारा तो। अभी कोल्ड ड्रिंक डाली जा रही है ग्लासों में। क्या बात है, क्या स्टाइल है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जिसको समझ में आता है समझ जाएगा ऐसे क्या करते हैं। वैसे सब भी आपको करना चाहिए था कुछ। करो यार, करो यार। मम्मी देखो, टेस्ट करके देखो। मम्मी के बेटा जी ने बनाए हैं पॉपकॉर्न, सही हो रहे हैं? नमक कम हो रहा है तो बताओ। मैंने भी खाए हैं, एकदम नमक कम लग रहा है ना, सही है। चिंचिनिन, आपके द्वारा बनाए गए पॉपकॉर्न आपको कैसे लग रहे हैं जोशी जी? बढ़िया। टेस्टीचेस। हाँ, नमक की थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज परफेक्ट है ना। जोशी जी, आपने आज से पहले कभी पॉपकॉर्न बनाए? नहीं, फर्स्ट टाइम ही। आज से पहले पहली बार बनाया है? नहीं, वैसे एक बार बनाए थे, बैक टू आते हैं। अच्छा, पॉपकॉर्न बना। जो लिक्विड के साथ आते हैं उसमें तेल के साथ से, है ना। पहली बार में अटैम्प किया और काफ़ी अच्छा अटैम्प किया वो, और एक भी दाना नीचे नहीं लगा। सबसे अच्छी बात ये है कुकर में, क्योंकि पहले एक बार हमने बनाए थे तो नीचे लग गए थे, थोड़े जल गए थे, तो एक भी दाना नीचे नहीं लगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने हैं, हल्के से बस नमक की कमी है, अदरवाइज एकदम परफेक्ट है। वेल डन जोशी जी। थैंक यू सो मच। जोशी जी का हिडन टैलेंट सामने आया आज हमारे, कि पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। आज बहुत दिनों के बाद ये 10 वाली फ्रूटी पी मैंने। फ्रूटी पीते पीते ना मुझे बचपन की याद आ गई। जब पहली बार मैंने ये फ्रूटी पी थी उसका आपको बता रही हूँ, मैं कम से कम उसमें पाँचवीं क्लास में होंगी और ग्रीष सातवीं क्लास में होगा। तो पापा, हम सब लोग गए थे चंडीगढ़ घूमने के लिए। पापा ने, बड़े भाई ने और ग्रीषी ने सेम ही कपड़े पहने, पापा ने सेम फॉर्मल ड्रेस सिलवाई थी तीनों के लिए, और मम्मी ने सूट पहना था, मैंने फ्रॉक पहनी थी पिंक वाली। वो एल्बम में शायद मैंने आपके साथ पहले पिक शेयर भी की थी, जब हम चंडीगढ़ गए थे छोटे होते। तो वहाँ पर ग्रीष ना ज़िद करने लग गया पापा से कि ये फ्रूटी पीनी है करके।
तो पापा मना कर रहे थे, फिर गिरीश ने अपने प्लान में मुझे शामिल किया। करा आरती एक डब्बा सा होता है पीले रंग का, उसके अंदर ना बहुत टेस्टी पानी होता है, मेरे दोस्तों ने पी थी। चल पापा से बोल करके फिर हम दोनों ने जिद की बहुत ज़्यादा, तब कहीं जाके हमें फ्रूटी पीने के लिए मिली थी, और वो फर्स्ट टाइम मतलब मैं हमने उसमें फ्रूटी पी थी। तो बचपन की यादें हैं, पीते पीते भी अचानक से याद आया, मैंने कहा चलो आपके साथ ये बात भी शेयर कर दूँ। तड़का तैयार हो चुका है हमारा, अभी इसमें दाल ऐड की जा रही है मूंग की। मेरा हाथ कितना अच्छा रहा देखिए, आपका हाथ ही अच्छा तो अच्छा ही आएगा। इसके साथ ही इसमें अभी बारीक कटा हुआ हमारा पालक ऐड किया जा रहा है। ऐड करने वाली मम्मी है, मिक्स करने वाली मैं हूँ। आज तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है क्योंकि दोनों सास बहू के हाथ लग गए हैं इसमें। खाना तो भैया हमारा लाजवाब बनता है, बल्कि ऐसा लगता ही नहीं कि प्याज टमाटर ऐड नहीं है इसमें, प्याज और लहसुन। पानी ऐड किया जा रहा है अभी स्वाद अनुसार। ईशानू कहाँ जाके आए हो? नानी पास गए थे? नानी पास? हाँ बोलो। हाँ गए थे। इसको भी खिला दो, बाबू को खिला दो, खिला दो बाबू को। चाचू को नमस्ते बोला आपने? चाचू को नमस्ते बोल दो बाबू। ये मछली गया। चाचू को नमस्ते बोलो। देखो कुछ नमस्ते बेटा। चीजी लेता थोड़ा मेरे से छीनता है। चीजी तो सब चीजी मिल गई, अब भाग जाएगा बाहर। चाचा को खाना सर्व करने आ रहा है। देखो ठीक है, सुन एक काम और कर, रुक जा इधर इधर, सुन बात सुन इधर, एक काम कर, अम्मा से लेके आ पानी, ठीक है ना? हाँ। क्या लाएगा? मम। चलो यहाँ पर डिनर किया जा रहा है। दाल पालक कैसी बनी है जोशी जी? आइसक्रीम टाइम, डन डन डन। अभी हम सभी आइसक्रीम खाएंगे। अभी डिनर कर लिया है सभी ने घर में। यहाँ पर बर्तन साफ किए जा रहे हैं। ईशानू इतना बिगड़ गया ना ये लड़का, इतना बिगड़ गया ना ये लड़का। इधर आ, इधर तेरे को बताऊं, बता इधर आ। चिढ़ा चिढ़ा के जा रहा है। ईशान की वजह से घर में इतनी रौनक लगी रहती है ना हमारे। कभी मेरे को चिढ़ा रहा है, कभी इंदर जाकर चाचू को चिढ़ा रहा है, कभी मम्मी को चिढ़ा रहा है। नाश्ता घूम रहा है पूरे घर में। फिलहाल रसोई का सारा कामकाज निपट चुका है। अभी बस हम लोग बैठ के यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग कौन सी मूवी देखें। बाहर जाने का, मूवी देखने का तो प्लान हमारा हो नहीं पाता क्योंकि इनके टाइमिंग का कुछ पता नहीं रहता, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही है, अचानक से सिस्टम बनता है। तो आप लोगों को भी नहीं बता पाती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता। ये मुझे इन्फॉर्म करेंगे तो मुझे पता लगेगा, ये मुझे इन्फॉर्म कैसे करें इनको खुद को पता नहीं लगता। तो ऐसी सी जिंदगी चल रही है। तो थोड़ा सा आपस में टाइम स्पेंड करते हुए अभी हम मूवी देखेंगे। कौन सी देखेंगे वो देखते हैं, कौन सी देखेंगे। तो ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। खुश रहिएगा और हमें भी खुश रहने दीजिएगा। ये कहने वाले हो मच्छर कितने हो गए यार, कुछ पक्का आ जाता है मच्छर बीच में डिस्टर्ब करने मुझे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। आपके लिए हम आपकी मर्जी के अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार ब्लॉग लेके आने की कोशिश करेंगे। मेरा भारत मेरा महान, जय हो मेरा भारत मेरा महान। आइए आह।